हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अपने चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहेंगे, सफलता अवश्य मिलेगी। आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। डियर, अभी का जो वीडियो है ये है कैंडल वैक्स रीडिंग, आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी और थर्ड पार्टी के लिए भी है कि थर्ड पार्टी को लेकर वो क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी के लिए उनकी फीलिंग्स क्या है इस वक्त और क्या सिचुएशन है उनके लाइफ की। तो थर्ड पार्टी से रिलेटेड ये वीडियो है डियर। यहाँ देखना चाहती हूँ कि इस वक्त उनकी करेंट एनर्जी क्या है और उनके लिए थर्ड पार्टी के लिए फीलिंग्स क्या है। तो चलिए देखती हूँ, एंजल्स गाइड करेंगे, एंजल्स गाइड करेंगे, डिवाइन गाइड करेंगे। पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स क्या है, थर्ड पार्टी के लिए क्या फील कर रहे हैं, एंजल्स गाइड करेंगे। देखिए डियर, यहाँ पे हो सकता है ये पार्टनर मैरिड हो। ठीक है, ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, पैसे पे फोकस है। देखिए डियर, यहाँ पे जो दिख रहा है, कैंडल वैक्स करती हूँ। देखिए, ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ इन्होंने सेलिब्रेट किया है। ठीक है, और उसके बाद आपके लाइफ में ऑन ऑफ सिचुएशन रहा है। कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत उनकी हेल्प की है। ठीक है, फाइनेंशली भी, गिफ्ट भी, हर तरह से उनको मदद भी की है। ठीक है, ये पर्सन हो सकता है मैरिड भी हो। ठीक है, और ये पर्सन आपको छोड़कर भागे भी हैं डियर, इस रिश्ते को लेकर। अगर इनकी मैरिज हो चुकी है, ये मैरिड हैं, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं उनको सब कुछ दिया, लाइफ की हर खुशी दी, गिफ्ट दिया, फाइनेंशली सपोर्ट किया और बहुत कुछ दिया। अगर ये मैरिड है तो भी डियर, अगर अनमैरिड है तो भी। ठीक है, ये पर्सन आपकी तरफ ऑन ऑफ सिचुएशन रहा और थर्ड पार्टी के साथ इन्होंने बहुत इंजॉय किया। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी कोई भी और भी हो सकते हैं। कुछ लोग मैरिड भी हैं डियर। ठीक है, कुछ लोग आपके पार्टनर मैरिड भी हैं या फिर मैरिड कपल भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन उनके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। ठीक है, और उनके साथ सेलिब्रेट किया, इंजॉय किया, टाइम स्पेंड किया, लाइफ को जीने की कोशिश की उन्होंने। ठीक है, ये पर्सन उसके बावजूद भी, थर्ड पार्टी के बावजूद भी कभी कभी आपके लाइफ में आते जाते रहे हैं। जहां पर, यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके साथ फिजिकली भी हुए हैं और आप भी हुए हो। ठीक है, कुछ लोग डियर, हो सकता है कुछ लोग ना हो, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग, आप लोग दोनों फिजिकली भी हुए हो। ठीक है, ये पर्सन तेजी से आना और जाना लगाए रखे हैं डियर, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ये पार्टनर मैरिड हैं। ठीक है, या फिर अगर अनमैरिड हैं तो आपके पार्टनर ने उनके साथ बहुत एंजॉय किया है। ठीक है, बहुत ज्यादा एंजॉय किया, टाइम स्पेंड किया और उनके साथ सेलिब्रेट भी किया। ठीक है, और आपके तरफ वो डिस्टेंस मेंटेन किया। ठीक है, आपसे ये दूर भागे क्योंकि थर्ड पार्टी आ गई थी और बीच बीच में ये ऑन ऑफ सिचुएशन भी रहा है डियर। ठीक है, अब मैं इसकी एनर्जी यहां से निकालती हूँ। देखिए, ये मैरिड भी हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। ठीक है डियर, ये है कैंडल वैक्स रीडिंग। आपके सामने मैंने ये कार्ड निकाला। अब मैं यहां से कैंडल वैक्स देखती हूँ इनकी एनर्जी। इन्होंने बहुत सेलिब्रेट किया है उनके साथ। एंजल्स गाइड की, डिवाइन गाइड की, कृष्ण गोविंद गाइड, दिव्य शक्ति गाइड कीजिए और आर्कएंजल्स गाइड कीजिए। देखिए रे, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है ना। देखिए, अभी थोड़ा गर्म है डियर, इसलिए नहीं उठ पाएगा, बाद में दिखाती हूँ। देखिए, ये पर्सन टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में अभी भी डियर। देखिए, जो भी थर्ड पार्टी यहाँ जो है ना, बहुत ही चालाक है। ठीक है, बहुत ही चालाक है, लेकिन इस वक्त ये पर्सन खामोश है। ठीक है, अब इस वक्त इन्हें महसूस हो रहा है कि आपके साथ उन्होंने गलतियां तो की है। ठीक है, और आपके जैसा प्यार करने वाला कोई नहीं है।
ठीक है। अब इस पर्सन के अंदर ये कुछ हो रहा है, या फिर देखिए डियर, हो सकता है आपको इन्होंने प्रपोज भी कर दिया हो या फिर ऑफर भी किया हो, ठीक है। यहाँ पे ये भी एनर्जी है, हो सकता है आपको ऑफर भी कर दिया हो या फिर कॉल मैसेज भी आया हो, लेकिन कुछ लोगों का कॉल मैसेज आने वाला भी है डियर, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन महसूस कर रहे हैं तुम्हारे जैसा कोई नहीं। पर्सन के अंदर ऐसा कुछ चल रहा है कि आपके जैसा कोई इनको प्यार करने वाला नहीं मिला, ठीक है। ये जोश में होश गवा बैठे और थर्ड पार्टी के पास दौड़ चले बहुत तेजी से, ठीक है, बहुत पैशनेट हुए। डियर यहाँ पे फिजिकली भी दिख रहा है, फिजिकली भी आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ हुए हैं डियर, ठीक है। और इनको इस वक्त ये महसूस हो रहा है, कंफ्यूज जरूर है डियर, लेकिन ये पर्सन अभी भी ये सोच रहे हैं कि आपके जैसा प्यार करने वाला और कोई नहीं, ठीक है। इस वक्त ये पर्सन उदास हैं, ठीक है, इमोशनल बहुत हैं और सब कुछ सही करना चाहते हैं, ठीक है। दूर होकर भी, मतलब आपके पर्सन आपसे दूर होकर भी उनके लिए आप अब परफेक्ट हो, समझ गया बात को। अब आपसे डिस्टेंस मेंटेन किया, आपसे दुनिया बनाई, अब आप उनके लिए परफेक्ट हो, मतलब दूर रहकर भी अब ये आपको महसूस कर रहे हैं और आप उनके लिए परफेक्ट हो, ये कहना चाहते हैं। देखिए इस वक्त इन्हें प्यार चाहिए, ठीक है। इस वक्त जो इनकी एनर्जी है, ओवरथिंकिंग की भी है, हार्ट ब्रेक भी है, थर्ड पार्टी इशू भी है, जहां देखिए सिचुएशन ये है कि ना वो निकल पा रहे हैं ना ही वो एक्शन ले पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको महसूस कर रहे हैं। और देखिए सिचुएशन तो है कि आपके तरफ एक्शन ले, मैरिज की बात करें, आपसे शादी भी करना चाहते हैं, अगर ये मैरिड है तो भी आपको प्यार ऑफर भी करना चाहते हैं, सेलिब्रेट भी करना चाहते हैं, तेजी से बढ़ना भी चाहते हैं, बट यहाँ पे इनका मूड स्विंग है डियर, ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल की कमी इस पर्सन के अंदर, पास्ट में भी था, अभी भी कॉन्फिडेंस इनकी मैं कम देख पा रही हूं, क्योंकि टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। अब ये पर्सन के अंदर है कि मुझे प्यार चाहिए, इन्होंने जितना मस्ती इंजॉय करना था, सेलिब्रेट करना था, कर लिया। डियर ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ इन्होंने बहुत टाइम स्पेंड किया, बहुत घूमा है, इनको बहुत कुछ दिया है, इनको लाइफ की हर खुशी भी दी है, इनको बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं, फाइनेंस को लेकर भी इनकी मदद की है, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ इन्होंने बहुत इंजॉय किया है, बहुत फिजिकली होना, मतलब बहुत क्लोज आना, बहुत ज्यादा इनके साथ क्लोज आना। देखिए टू ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है और प्यार भरी बातों की भी एनर्जी है, तो यहाँ पे दोनों ने बहुत एक दूसरे के साथ टाइम बिताए, बहुत एक दूसरे को समझा जाना। अब ये पर्सन को धोखा और चीट मिल रहा है, मन उब चुका है, तब आप चाहिए। अब इस वक्त इनको आपका प्यार चाहिए डियर, मतलब दूर रहकर भी ये पर्सन के लिए आप परफेक्ट हो, ठीक है। देखिए इस वक्त ये पर्सन उन बातों को याद कर रहे हैं जिस वक्त आपने इनको सपोर्ट किया, इनको हेल्प की, ठीक है। थर्ड पार्टी को लेकर भी आपने बहुत बर्दाश्त किया, बहुत पेशेंस रखा, बहुत आप रोए, लेकिन इस वक्त आपके पार्टनर के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी को लेकर, लाइफ को लेकर, आपको लेकर ये स्ट्रगल कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। और इस वक्त भी ये पर्सन थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं, सिचुएशन ठीक नहीं है इस पर्सन के लाइफ में डियर, ठीक है। बैलेंस कर भी पूरी तरह बैलेंस नहीं कर पा रहे, मतलब कि बैलेंस करते हुए वहां रह तो रहे हैं, साथ तो है, बट ये बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं और किसी सिचुएशन में वो निकल भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और जो इनको समझ में आ रहा है वो ये कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनको कैसे निकलना है ये इनको समझ में नहीं आ रहा है। अब इनको एहसास हो रहा है, मतलब टू ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पे बता रहा है डियर कि सिचुएशन ऐसी है कि वो डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन मैरिज से रिलेटेड कुछ ना कुछ ये आपके बारे में सोच रहे हैं डियर, ठीक है। जो भी थर्ड पार्टी है बहुत ही चालाक है, बहुत ही चालाक है, मतलब जितना कहा जाए बहुत चालाक है, अपनी जरूरत निकालना ये बखूबी जानता है या जानती है, ये मेल भी है और फीमेल भी है डियर, ठीक है। अपनी काम निकालना, मतलब ये बखूबी जानते अच्छे से, ठीक है। अब ये पर्सन के तरफ आपके तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, इस रिश्ते में एक नई शुरुआत चाहते हैं, और कुछ लोग का कॉल मैसेज आया भी है डियर, ठीक है। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कुछ लोग का कॉल मैसेज आया है और कुछ लोग का कॉल मैसेज आने वाला है, ये बहुत कोशिश कर रहे हैं आपके तरफ एक्शन लेने के लिए, ठीक है।
यहाँ पे आप बहुत रोए हो, बहुत तड़पे हो, आपके साथ धोखा हुआ, गद्दारी हुआ, चीटिंग हुई, झूठ बोला गया, ठीक है, ये भी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। अब आप चाहिए, आपका प्यार चाहिए और आप चाहिए डियर, ठीक है, लेकिन आप भी कभी बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है, ठीक है, आपको सारी बाधाओं को छोड़कर, अगर आप जिस जंजीर में फंसा हुआ फील कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे इस जंजीर को आपको तोड़ना होगा, अपने लिए जीना होगा, अपने लिए एक्शन लेना होगा, थोड़ा जागरूक हो जाइए, पास से निकलिए आप, ठीक है, पास से आपको निकलना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा अवेयर होइए, आसपास के माहौल को देखिए, कुछ अपने लिए जागिए, अपने लिए कुछ कीजिए, ठीक है, आप थोड़ा स्ट्रांग हो जाइए, हमें ये बोलिए स्ट्रेंथ की एनर्जी आ रही है, आप थोड़ा स्ट्रांग होइए और खुद पर फोकस कीजिए, ठीक है, ये पर्सन के अंदर जो बेचैनी और दर्द है ये सिर्फ अनुभव कर रहे हैं, इनको किसी ने धोखा दिया है, चीट किया है। देखिए डियर, ये अनमैरिड भी हो सकते हैं, जिस वक्त ये पर्सन ने आपको छोड़ा और इनके तरफ गए तो ये बहुत इनके अंदर उमंग थी, तरंग थी, बहुत बेताबी थी, और इनके अंदर देखिए अट्रैक्शन, ये बहुत लोग के साथ ये फिजिकली भी होते हैं डियर, ठीक है, ये पर्सन, और देखिए यहाँ पे आप दोनों की भी एनर्जी है, ठीक है ना, आप दोनों भी बहुत क्लोज आए हो, लेकिन यहाँ पे कि आपको अपने ऊपर फोकस करना होगा डियर। देखिए कुछ लोग हो सकता है कि आप सही चीज नहीं देख पा रहे हो, आप सही दिशा नहीं देख पा रहे हो, ठीक है, यहाँ पे क्या है ना कि आपको स्ट्रांग बनने की जरूरत है, स्ट्रेंथ, अपने ऊपर पावर लाइए, ठीक है, और आप अपने ऊपर काम कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर सकते हो, या फिर अगर अब तक आपके लाइफ में आपके सोलमेट नहीं आए तो जब तक अपने ऊपर फोकस नहीं करेंगे तब तक वो कैसे आएंगे, ठीक है, तो आप अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है, और आप आगे बढ़ सकते हो। देखिए आपको आज भी इंतजार है उस पर्सन का, ठीक है, इस पर्सन का आज भी इंतजार है आपको। देखिए आप दोनों के रिश्ते को तोड़ने में फ्रेंड का भी बहुत बड़ा हाथ है डियर, आपके पार्टनर ने हर बात बताई, हर चीजें बताई आपको लेकर, आपके साथ कैसा रिलेशनशिप था, आपने क्या बातें की, आप दोनों कितने क्लोज आए, मतलब हर हद मतलब इन्होंने क्रॉस कर दी, और इन्होंने जो फ्रेंड से बात की है ना डियर, उनको क्या पता, आप जो बोलोगे वही वो भी सुनेंगे, देख रहे हो, जो आप बोले, आप जो बोलिएगा अपने फ्रेंड को तो वही सुनेगा ना, वही सुनेगी ना, उन्होंने तो देखा नहीं और उन्होंने कह दिया आप आगे बढ़ो, ये करो, उनको ही सपोर्ट कर दिया, मतलब कि इसमें कुछ के रिलेटिव दिख रहे हैं, कुछ के फ्रेंड दिख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए दोनों सिचुएशन में तो ये पर्सन बहुत पेन में है, नहीं निकल पा रहे हैं, अफसोस है कि इन्होंने गलती की है, अगर मैरिज हो गई उनकी तो अब क्या करें, कसम कसम है, टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुश्किल में तो हूं लेकिन निकलू तो कैसे निकलू, ये भी एक प्रॉब्लम है, तो किसी सिचुएशन में ये निकल भी नहीं पा रहे हैं डियर, ओवर थिंकिंग ये भी कर रहे हैं, ठीक है, और ओवर थिंकिंग मेरे व्यूवर्स आप भी कुछ कर रहे हो, कुछ व्यूवर्स आपके तरफ कॉल मैसेज आया है, मैं ऐसा भी देख रही हूं, और कुछ लोग की बात मुलाकात तो हो रही है लेकिन कुछ के पार्टनर आपके तरफ सेलिब्रेट भी करना चाहते हैं डियर। देखिए इन्होंने थर्ड पार्टी के आने के बाद आपने फाइट भी किया, एक्शन भी लिया, कॉल मैसेज भी किया, इन्होंने बहुत इग्नोर किया, आपने एफर्ट लगाया, बहुत कुछ किया है इनके लिए, ठीक है ना, आपने बहुत कोशिश की सब कुछ ठीक करने का डियर। देखिए यहां पे मुझे लग रहा है ना कि कुछ ना कुछ आप दोनों में ना कम्युनिकेशन की मुझे यहाँ प्रॉब्लम्स दिख रही, कमी दिख रही है, खुलकर कोई बात नहीं कर पा रहे हो, लेकिन पास्ट में थर्ड पार्टी के लिए इन्होंने एक्शन लिया, डिसीजन लिया डियर। देखिए डियर आपने इस पर्सन के साथ बहुत खूबसूरत लाइफ देखा था, बहुत ही ब्राइट लाइफ देखा था, जहां आपके सारे सपने टूट गए, चकनाचूर हो गए, ठीक है, पास्ट में भी इन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, ठीक है, यहां ये भी दिख रहा है। देखिए आप लोग मेंटली फिजिकली ना एक दूसरे के लिए
बहुत महसूस करती हूँ इस वक्त, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ दोस्तों ने भी आप लोग को अलग करने का हाथ है, कुछ लोग किसी के रिलेटिव भी हो सकते हैं कि आप दोनों को अलग किया गया है। देखिए फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, यहाँ पे फ्रेंड बहुत ही स्ट्रांग दिख रहे हैं और कुछ रिलेटिव दिख रहे हैं, ठीक है। देखिए इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने गलती तो की है, 100% इन्होंने गलती की है कि अपने दिल की बात, आप दोनों के रिश्ते की बात किसी फ्रेंड से बताना, मतलब आपके साथ क्या हुआ नहीं हुआ, तो इन्होंने बहुत बड़ा गलती किया डियर। और इन्होंने जो डिसीजन लिया पास्ट में थर्ड पार्टी के लिए, अब ये पर्सन रो रहे हैं और एक हार की तरह, एक थका हुआ हारा हुआ इंसान ये महसूस कर रहे हैं। ये डिसीजन नहीं ले पा रहे कि करूं तो मैं क्या करूं। देखिए ऐसा इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स अब क्रिएट हो रहा है कि ना ये आपकी तरफ बढ़ पा रहे हैं और ना ही थर्ड पार्टी की तरफ एक्शन ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी अगर ये मैरिड है डियर तो ये बहुत डरते भी हैं, ठीक है, ये बहुत डरते भी हैं अंदर से डियर कि क्या होगा। देखिए इनको अपनी पर्सनालिटी का तो डर है ही डियर, ठीक है, ऐसा नहीं है। और इस वक्त जो इनका हाल है ना डियर, ये सिर्फ ये खुद सह रहे हैं, थर्ड पार्टी कुछ नहीं सह रही है, थर्ड पार्टी एकदम मजे मजे में है, सेलिब्रेट कर रही है, बस इनको रोता हुआ देखना चाहती है या चाहता है, ठीक है। लेकिन जो भी थर्ड पार्टी है वो बहुत ही तेज है डियर, ठीक है, आपने देखा होगा ये अब आपके तरफ मैरिज करना चाहते हैं, आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं। इस वक्त वो पर्सन आपको लेकर फील कर रहे हैं कि आपके तरफ ये प्यार का ऑफर करें, इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करें, ठीक है। तो ये एस ऑफ पेंटिकल्स एक नई शुरुआत की ओर जाता है, मैरिज से रिलेटेड आपसे बात करना चाहते हैं, वो एक्शन लेना चाहते हैं और ये आपके साथ सेलिब्रेट भी करना चाहते हैं और आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, उन्हें वक्त चाहिए और ये तेजी से आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, अब इनकी ये सोच है। देखिए ये पर्सन मूडी जरूर है लेकिन इस वक्त आपके लिए बहुत ज्यादा पैशनेट हो रहे हैं, इस वक्त आपका प्यार आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ दोनों एनर्जी निकल चुकी है, अब आप चाहिए, आपके साथ सेलिब्रेट करना है, मैरिज की बात आपके बारे में सोच रहे हैं, कमिटमेंट को लेकर सोच रहे हैं और आपकी तरफ तेजी से बढ़ना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे आपके पर्सन ने पास्ट में ये मूडी थे, ऑन ऑफ करते थे, तो अचानक से बहुत तेजी से थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े, आपको छोड़ते हुए इग्नोर करते हुए ये थर्ड पार्टी के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट हुए, उनके साथ इन्होंने सेलिब्रेट किया, एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया, इन्होंने घुमा फिरा, बहुत ट्रैवल किया, एक दूसरे के क्लोज भी आए और उन पर बहुत पैसे भी लुटाए, गिफ्ट दिए, उनको बहुत कुछ दिया, लाइफ की हर खुशी दी, ठीक है। अब ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं। और ये उनकी अगर मैरिज हो चुकी है, ठीक है, अगर इनकी मैरिज हो चुकी है तो वहां से ये निकलना चाहते हैं। अब ये पर्सन द हेरोफेंट की एनर्जी है, ये पर्सन आपके साथ एक कमिटमेंट के साथ आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, जैसे आपने इनके साथ ब्राइट फ्यूचर देखा था, अब ये पर्सन आपके लिए सोच रहे हैं, अभी मन मन में अब आपके लिए बहुत प्यार और बहुत इमोशनल ये पर्सन हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस पर्सन का इस वक्त जो हाल है बहुत बुरा हाल है, इन्होंने थर्ड पार्टी के लिए जो किया अब ये आपके साथ करना चाहते हैं। इस वक्त ये पर्सन जो पर्सन है रिग्रेट में है, ठीक है, इनको रिग्रेट हो रहा है डियर, कुछ दोस्तों ने इनके साथ इनको सपोर्ट किया, कुछ उनके रिलेटिव ने, कुछ हो सकता है आपके दोस्तों ने भी उनकी मदद की, ठीक है। अब इनका लाइफ बिल्कुल उलझ कर रह गया डियर, मैरिज से रिलेटेड कुछ ये प्लानिंग कर रहे हैं और आपके साथ फ्यूचर तो देख रहे हैं लेकिन अभी भी डियर कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है, ठीक है, अभी भी कंफ्यूजन है। टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे आई है, टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, ये अभी भी यहाँ फोर ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है कि ना आपको छोड़ पा रहे हैं और ना ही आपको डिसीजन सुना पा रहे हैं, ठीक है। साइन मैं बता देती हूँ डियर, ये हो सकते हैं लियो यानी सिंह राशि, धनु यानी सेजिटेरियस, कैंसर यानी कर्क, मकर यानी कैप्रिकॉन, एरिस, मेष, वृषभ, टॉरस, कन्या, वर्गो,
ये साइन मुझे दिख रहे हैं डियर, पाइसेस भी हैं जिसे हम मीन कहते हैं, मीन राशि, तो ये साइन यहाँ मुझे दिख रहे हैं डियर, ठीक है। तो देखिए थर्ड पार्टी को लेकर कितनी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, पास्ट में उन्होंने कैसा आपके साथ किया, आपको छोड़कर तेजी से गए, वो उस वक्त डिसीजन नहीं ले पाए, अब ये सोच रहे कि कैसे निकले। डियर यहाँ भी कंफ्यूजन है, आपके साथ सपने जरूर देख रहे हैं, ऑफर करना चाहते हैं, तेजी से बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने लाइफ में बहुत दुखी है, परेशान है, इनको रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, आपको कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा ये पर्सन पैशनेट हो रहे हैं और तेजी से आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। इस वक्त आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, मिस कर रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं लाइफ में लाना चाहते हैं, कुछ मैरिज से रिलेटेड ये डिसीजन लेना चाहते हैं, ठीक है डियर। तो ये थी आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स, उनकी करेंट एनर्जी और थर्ड पार्टी की एनर्जी। आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, ठीक है। देखिए गलत फहमियों को दूर कीजिए, सबसे बड़ी बात, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको स्ट्रांग रहना है, ठीक है। आपको डिसीजन लेना है, अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, अपनी ग्रोथ पर फोकस करना है, अपने फ्यूचर को भी देखना है, अपने फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा प्लानिंग करना है। जैसे आपने इनके साथ ब्राइट फ्यूचर देखा था, आप खुद के लिए ब्राइट फ्यूचर देखिए। अगर आप अनमैरिड हो तो आप प्रेयर प्रार्थना कीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए। अगर ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है तो आपके तरफ ऑप्शन है, तो आप देखिए, मैं यहाँ डिसीजन इसलिए सुना देती हूँ, आपके दिल की बात है कि आप मूव ऑन कर सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो। अगर इंतजार कर सकते हो तो आप करो, ठीक है। आपके लिए 3 नंबर बहुत ही खास है, 1 नंबर 1 3 नंबर और 5 नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है डियर। तो चलिए ये थी आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स, थर्ड पार्टी की करेंट एनर्जी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू सो मच।